व्हाट यू वांट यू गेट में आज का जो ट्यूटोरियल का टॉपिक है वो है एक वायरस कि कैसे ये वायरस जो है वो एक फनी टाइप का है, इसे किसी के सिस्टम में इंस्टॉल करके उसके सिस्टम को हैंग किया जा सकता है एंड मैनी अदर जो भी कमांड दी जाए। तो जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि उसे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लो। नोटपैड ओपन करने के बाद जो है ये टाइप करें जो मैं टाइप कर रहा हूँ। ये टाइप करने के बाद नीचे फाइल का नाम देना है, कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे ASDF GHJ एंड एंटर। अब इसे सेव एज करना है। डेस्कटॉप पे सेव कर लें जल्दी से ताकि मिले। और इसे सेव करना, कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैंने दे दिया राम, लेकिन जो इसका एक्सटेंशन होगा वो .bat के नाम से होगा। एंटर, ये हो गया। अब इसे देखिए स्क्रीन पे, ये हो गया सेम राव नाम से। इसे जब ओपन करोगे आप तो होल्ड नहीं करेगा अभी स्क्रीन। अब इसे होल्ड करने के लिए इसे राइट क्लिक करके एडिट करें, और सॉरी इसे नोटपैड के साथ ओपन कर लें, एडिट। अब इसमें इसको स्क्रीन होल्ड करने के लिए टाइप करेंगे क्यू एंड सेव कंट्रोल एस। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये स्क्रीन है जो होल्ड करेगी, स्क्रीन होल्ड की, पर एंटर कुछ नहीं मिला क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं अभी। अब इसको दोबारा एडिट करें, अब मेन खेल यहाँ से शुरू होता है। अब जैसे आपको किसी के सिस्टम में इंस्टॉल किया, स्टार्ट कंट्रोल एस, ये टाइप करने के बाद इसे मैंने सेव कर दिया। अब ये देखिए मिनिमाइज करने के बाद जैसे मैं इसे ओपन करूँगा और कंटिन्यू करूँगा सीधा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ये सिर्फ वन टाइम के लिए ओपन होएगा इसका होम पेज। अब जैसे अगर मैं इसे कॉपी कर लिया, मैंने इसे जितनी बार पेस्ट करूँगा कंट्रोल एस, ये उतनी बार ही, अब उसके बाद सेव करने के बाद जितनी बार इसे कॉपी कर दिया मैंने तो उतनी बार जिसके सिस्टम में इसे इंस्टॉल करेंगे क्रोम ब्राउज़र उतनी बार ओपन हो जाएगा। ये देखिए कितनी बार ओपन हो गया, 1 2 3 4 5 6 टाइम ओपन हो गया। अब ऐसे ही अगर हमें कुछ और भी ओपन कराना है तो यहाँ पे हम अगर हमें कुछ वेबसाइट ओपन करानी है तो हम उस वेबसाइट का नाम भी दे सकते हैं, जैसे स्टार्ट हमें जैसे कि DU दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट ओपन करनी है, DU.co.in सेव कर दो। अब इसके बाद सेव करने के बाद दोबारा इसे ओपन करो, प्रेस यानी की टू कंटिन्यू
एंड ये जो लास्ट वाले ब्राउजर पे होगा उस पर ड्यू की साइट ओपन कर देगा। जिस भी ओपन क्रोम डॉट टीएक्सई के बाद किसी भी साइट का नाम देंगे तो उस ब्राउजर के बाद ये उस साइट को ओपन करके शो कर देगा। तो इसके ज़रिए दोस्तों हम कोई फनी साइट भी ओपन करके इसमें टाइप करके किसी फ्रेंड या किसी के सिस्टम में इंस्टॉल करके जब ओपन करेगा तो उस वेबसाइट सीधा ओपन हो जाएगी। और सिस्टम की अगर रैम कम है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 50 टाइम डाल देते हैं ओपन क्रोम डॉट टी एक्सी स्टार्ट क्रोम डॉट टी एक्सी 50 टाइम अगर उसकी रैम कम है तो उसकी सिस्टम भी हैंग हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो ट्यूटोरियल। देखिए, एंजॉय कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।